हाथ ऊपर उठा के मुठिया बंद करके भारत माता की जयकारा करेंगे, देखते हैं किसके अंदर ज्यादा ताकत है। पंजा नहीं खोलना, इस पंजे ने कई साल देश को लूटा है, इसलिए मुठिया बंद होनी चाहिए। बोलो सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि शांति बनाए रखे और आराम से बैठ जाए भाई। भारत माता की, भारत माता की, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपके बीच में मंत्री जी पधार चुके हैं और सभी से निवेदन है कि वो शांतिपूर्वक इनके विचार सुनने का काम करें। 2 मिनट के लिए है, न गर्मी देखी है न बरसात देखी है, हर 24 घंटे आपके बीच में चंडीगढ़ से शिवानी और शिवानी से चंडीगढ़ और लुहारू हर 24 घंटे हमारे बीच में रहते हैं। आपने देखा होगा पहले विंटर कितने मंत्री हमारे एरिए में आए, हमने मंत्रिमंडल के चले गए और दोबारा कभी आकर के उन लोगों ने दर्शन नहीं दिए और मंत्री जी ने 24 घंटे अपने दोनों लड़कों के साथ हमारे फील्ड के अंदर इतना काम किया है कि जिसकी जिंदगी में आने बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने हमारे एरिया में आने के बाद नहर का, सड़क का, बिजली का, बच्चों की नौकरी का जितना भी काम किया है शायद ही ऐसा कोई नेता कर सकता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मंत्री जी की जीत तो बहुत पक्की है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में मंत्री जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीते तो हमारे एरिया का नाम होगा, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया उसके हकदार है। 15 साल तक इन्होंने हमारे एरिया के अंदर मजदूरी करने का काम किया है। हमारे यहाँ कोई मजदूर होता है तो क्या आप उसको मजदूरी नहीं देंगे? मंत्री जी ने इतनी मेहनत और इतनी मजदूरी की है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं कटानी जी से निवेदन करूंगा कि ये दो अपने विचार रखें। श्री को राम राम, जय श्री श्याम। आज देखो कितना मौसम बढ़िया हो रहा है, इतर वर्षा हो रही है, सब भगवान की कृपा है और दलाल साहब के आने से पहले हमारे पोता हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही हमारी सरकार आएगी, गटारी परिवार, मेसरी परिवार तन मन धन से मंत्री के साथ में है। तो हमारे दादा साहब दादा राम जी दलाल चिड़ी से, तो उनका हमारे को मिलाने का उन्होंने काम किया है। हम हमेशा ही कांग्रेस को वोट देते आए हैं और आज से हम ये प्रण लेते हैं तन मन धन और वोट से कम से कम गटानी परिवार का, मेसरी परिवार का 500 वोट है हमारा, पूरा का पूरा वोट हम मंत्री जी को और हमारे दलाल साहब को, काला दलाल साहब को देते हैं। भारत माता की जय। और आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे काला जी नहीं, हमारे मैं एक और बना चाहता हूँ, हमारा एक बच्चा है छोटा सा, उनका नाम है वरुण शोरान, उनकी भी विशेष कृपा रही है हमारे पर और रहेगी भी, ठीक है। सभी परिवार की ओर से आज इतने यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। भारत माता की जय।
गौरी शंकर जी पगड़ी पहना करके और मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले दलाल साहब को पगड़ी से सम्मान करने के लिए तो विनोद संदीप सरपंच गंगाला जल्दी से आए और मंत्री जी का सम्मान करें। सारे आ जाओ जल्दी, आज जिन जिन के नाम को लेने का कष्ट करें। संदीप 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 गंगाला संदीप गंगाला संदीप गंगाला संदीप सरपंच गंगाला पिछले भी तो देखे तो आज मैं आता है मैं भाई वरुण सुरान को सम्मानित करने के लिए भाई विजेंद्र जाखड़ जी पवन गटाणी जी अशोक सुरान जी मुकेश जांगड़ा जी खुशी गोस्वामी तऊ धर्मपाल नंबरदार दुलकोट से इन सबको मंच पे बुलाऊंगा। श्री ओम प्रकाश गोयल जी XMC विनोद कामरेडिया जी सुभाष दुलकोटिया जी पवन गर्ग जी रूबीन गोयल मनोज दुलकोटिया कृष्ण शर्मा ये सभी स्टेज पर आने आकर्ष करें जी। जगेंद्र दुर्जनपुरिया महेंद्र सिटी गवर्नमेंट वार्ड नंबर 3 मुकेश जांगड़ा सुनील जांगड़ा अख्तारपुरा वाले ये दिन के नाम बोले जल्दी से मंच पे आए जी। मैं मुकेश खेड़ा जी को बुलाऊंगा दानक समाज से जो खेड़ा से है मंच पर आए। मैडम तो पहली था दिनेश पंडित जी शिवानी मंच पर आए। आपके बीच में भाजपा पार्टी का कुंडबा बढ़ता हुआ जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत किया गया भाई। ताड़ियों के तौर पर लेते भाई जोर से हर्ष और उल्लास के साथ ताड़ियां बजाते रहे। ये रेलवे जल सेवा समिति एक बार मंच पर आए और रेलवे जल सेवा समिति की पूरी टीम मंच पर आए जल्दी से। रामकुमार जी और आओ जल्दी जल्दी आने का करें भाई थोड़ा टाइम कम है कई गांव का दौरा है मंत्री जी का। शिवानी की सबसे बड़ी संस्था रेलवे जल सेवा समिति अपना पूर्ण रूप से समर्थन देती है जनाब साहब को। भारत माता की वंदे। ये आगे से हटने का पूरे दिन का समय हो चुका है आगे जगह दे दूसरे माता की माता की अब जिंदाबाद जेपी दलाल जी जिंदाबाद। आज ऐसे लग रहा है कि पूरी शिवानी ही भाजपा नहीं होगी इसलिए जोरदार ताड़ियों के साथ भाई। अब आपके बीच में भाई यहाँ आगे जितना खड़े हमें ये परमिशन हो जाओ बैठ जाए सभी बैठ जाओ नीचे ना हो जाओ साथी खड़े हैं। इस गली के अंदर भी भरमार हो रही है मेरे को लगता है छोरो बोले से डटे कहू डटे मेरा लाड लाता हुआ मैं बोल रही एक बार जोरदार नारा भारत माता की जयकारे के साथ में भारत माता की एक बार जोरदार नारा दोनों हाथ ऊपर उठा के मुठिया बंद करके भारत माता की जयकारा करेंगे। देखते हैं किसके अंदर ज्यादा ताकत है। पंजा नहीं खोलना इस पंजे ने कई साल देश को लूटा है इसलिए मुठिया बंद होनी चाहिए। बोलो बोलो भारत माता की जय।
जय पाल, जय शिवानी। आप सबकी जीत हुई। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके चहेते आपके अपने लगातार जिन्होंने कई वर्षों से शिवानी के साथ साथ बेहद सतत रूप से आपके बीच में रहे, ऐसे हरियाणा के वित्त मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, आप सबके बीच में घटानी परिवार, अशोक जी, मुकेश भाई, पत्रकार बंधु, माताओं बहनों, आज जिस तरीके से रेलवे के संचालन समिति ने जिस तरीके से पार्टी को ज्वाइन किया, रोहतास प्रधान जी और एक बहुत लंबी लिस्ट, मैं तो लिस्ट पढ़ाई को नहीं, लेकिन जितने भी है नवीन भाई और पूरे यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, महेश्वरी परिवार का, सुभाष जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। देखिए, चुनावी माहौल शुरू हो गया। चुनाव के अंदर अनेकों प्रकार की बातें लगातार क्षेत्र के अंदर चल रही है। भाई टटके हो रहे, मेरी जरूरी नहीं हो तो तभी बोल ले भाई। चुनाव के अंदर अनेकों प्रकार की बातें, इस माहौल के अंदर किस तरीके से हम हमारा काम, हमको सही और गलत का निर्णय करना, अगले 5 साल के लिए शिवानी का भाग्य हमको किसी के हाथों में सौंपना है और उस भाग्य का फैसला करने वाली यहां पर बैठी ये जनता, इन लोगों ने उस भाग्य का फैसला। लेकिन जब हम 5 साल के लिए अपने भाग्य किसी के हाथ में दें तो हमें विचार करना चाहिए, हमें उन बिंदुओं के ऊपर विचार करना चाहिए कि हम अपना भाग्य किसके हाथ में दे रहे हैं, हम अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए किसके हाथ में अपने बच्चों का भविष्य दे रहे हैं, क्या हमने शिक्षा और रोजगार, इन तमाम बातों को अगर हम ध्यान में करेंगे तो आपके मन में एक विचार जरूर आएगा कि इससे पहले 2000 जिला महामंत्री वरुण चौहान जी, जिला अध्यक्ष पर एक बार भाई रुको साइड में, और थोड़ा गिल्ला हो, बैठ जाओ यार। मैं अरुण आए हाथ पहली बार, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इतने मतदाता है शिवानी के अंदर, शिवानी तो दलाल में हो चुका है, इंकार की बात नहीं है, कभी ये कार्यकर्ता इंकार में आ जाए भाई हम तो के ग्रांगे दलाल में, ऐसा नहीं, लेकिन 100% मैं सत्य कह रहा हूँ, कहीं भी कोई तकलीफ शिवानी से नहीं आएगी, मैं दलाल साहब को पूरा भरोसा दिलाता हूँ। जय हिंद।